महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंदराव फुले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सुधारकों में माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया। अछूता द्वार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफी काम किया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है। गुलामी से उन्हें नफरत होती थी। उन्होंने महसूस किया कि जातियों और पंथों पर बंटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा। जो नारी की भलाई के लिए समाज से लड़ जाता है, मानव सेवा के लिए सब कुछ कर जाता है, वो एक दिन महात्मा फुले बन जाता है। जातिगत और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना महापाप है। दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक बार ही काफी है। ये परस्पर जुड़ाव ही है जिसके लिए किसी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आर्थिक विषमता के कारण किसानों का जीवन स्तर अस्त व्यस्त हो गया है। अच्छे काम करने के लिए कभी भी गलत उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। धर्म वह है जो समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए है। जो धर्म समाज के हित में नहीं है, वह धर्म नहीं है। ईश्वर एक है और वो ही सभी लोगों का कर्ता धर्ता है। सभी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। स्त्री और पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र है, इसलिए दोनों को सभी अधिकार समान रूप से भोगने का अवसर मिलना चाहिए। जिंदगी की गाड़ी अकेले दो पहियों पर नहीं चलती, इसे गति सिर्फ तभी मिलती है जब मजबूत कड़ियां जुटती है। आपके संघर्ष में शामिल होने वालों से उसकी जाति मत पूछिए। शिक्षा के बिना समझदारी खो गई, समझदारी के बिना नैतिकता खो गई, नैतिकता के बिना विकास खो गया, धन के बिना शूद्र बर्बाद हो गया। शिक्षा महत्वपूर्ण है। महात्मा फुले को घर से निकालकर अपने भी सजा दिए, मगर वो गरीबों और लाचारों की मदद करके समाज को नई दिशा दिए। भारत में राष्ट्रीय भावना तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक भोजन और विवाह पर जातिगत प्रतिबंध बरकरार रहेगा। हर दिन नए विचार आते हैं, लेकिन असली संघर्ष उन्हें साकार करना है। अगर कोई आपकी किसी भी तरह से सहायता करता है तो उससे मुंह मत मोड़िए। केवल जाति के आधार पर किसी के गुणों को दबाना उचित नहीं। जब आपका लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित हो जाता है तब आप भटकना छोड़ देते हैं। स्त्री शिक्षा समाज के लिए आवश्यक है। एक स्त्री शिक्षित होकर पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। यदि आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। स्वार्थ अलग अलग रूप लेता है, कभी जाति का, कभी धर्म का। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इनमें से आपको सबसे अच्छा कोर्स कौन सा लगा वो कमेंट्स में बताएं।